खबर चंपावत से है, जहां डीएम के आदेश के बाद शहीद के नाम से बने मोटर मार्ग में लोक निर्माण विभाग ने गड्ढा भरने का काम शुरू कर दिया है। सालों से बदहाल पड़ी चंपावत जिले के चौमेल क्षेत्र की शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट मोटर मार्ग की बदहाली का डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी लोहाघाट को सड़क की दशा तुरंत सुधारने और सड़क में हुए गड्ढों को तुरंत भरने और बंद पड़ी नालियों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए। डीएम भंडारी के आदेश पर शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा सड़क में गड्ढों को भरने और दलदली स्थान में रोड़े भरने, नालियों को खोलने, साफ करने और झाड़ी के काटने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्राम प्रधान प्रकाश महर और ग्रामीणों के द्वारा शहीद के नाम पर सड़क में सुधारीकरण के लिए डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया गया और डीएम भंडारी से सड़क में डामरीकरण की भी मांग की गई। गौरतलब है कि शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम से बनी सड़क बरसों से बदहाल पड़ी हुई थी। सड़क में जगह जगह कीचड़ और गड्ढे होने से वाहनों के आवागमन और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस बात का डीएम चंपावत ने संज्ञान लिया और ग्रामीणों को गड्ढों और कीचड़ भरे रास्तों से निजात दिलवाने के लिए ये पहल की। आपको बता दें, इस खबर को यूपी न्यूज़ 9 ने भी काफ़ी प्रमुखता से दिखाया था। अब ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय चौहान को भी धन्यवाद दिया और उम्मीद जाहिर की कि सड़क में भी जल्द से जल्द डामरीकरण का काम भी शुरू हो जाएगा। जो सड़क है चामी खेती काकड़ी मोटर वाहन मार्ग है लैस नायक श्याम सिंह बिष्ट, इस मार्ग लोनीवी द्वारा बंद नाल के खोलने और जो जगह जगह खड्डे हैं उसमें पत्थर रोड़े पत्थर का कार्य यहाँ पर चालू कर दिया गया है। मैं इसमें तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिलाधिकारी महोदय चंपावत श्रीमान नरेंद्र सिंह भंडारी जी का। उनके द्वारा इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उन्होंने इसमें लोनीवी को आदेश भी दिए हैं कि इसमें जो भी कार्य हो उच्च और गुणवत्तापूर्वक कार्य होना चाहिए। महोदय, हमारे ग्रामीण की बहुत वर्षों से ये समस्या बनी हुई है कि इस रोड में 10-12 साल इस रोड को बने हुए हो गए हैं, इसमें अभी तक कोई भी डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया। पूरे क्षेत्र की मांग है कि आने वाले समय इस रोड में उच्च और गुणवत्तापूर्वक डामरीकरण कार्य हो। मैं इसमें लोनीवी के अधिकारी अभियंता श्रीमान संजय चौहान जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा यहाँ पर आज जो कार्य किया जा रहा है, और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आने वाले समय जो भी इसमें कार्य हो उच्च और गुणवत्तापूर्वक कार्य हो। महोदय, हमारी बड़ी वर्षों से समस्या है इसमें, इस रोड में जगह जगह जल बरसात के समय जलभराव हो जाता है, आज इसमें कार्य किया जा रहा है लोनीवी द्वारा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।